नमस्ते भैया, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। कल रात सुसु करने के बाद जस्ट सोने जा रहा था तो याद आया कि पेट्रोल भले महंगा हो गया हो, डेटा तो सस्ता है ना, तो क्यों ना एक बार फिर से अपनी मुंद रही आँखों को खोल कर नोटिफिकेशन और मैसेजेज चेक कर लिए जाएँ। ट्विटर को ऊपर सरकाया तो एक गजब का फीलिंग पॉजिटिव वीडियो दिखा। इसका नाम भूल रहा हूँ, जीव विज्ञान में गुरुसूत्रों से संबंधित कोई नाम होता है शो का, इंग्लिश में आप चेक कर लीजिएगा, भाई मेरी कमज़ोर है, ठीक है। हालांकि मैं तो 2 किलोमीटर ई रिक्शे से और 0.5 किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस आता हूँ, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार पेट्रोल प्राइस पर बमचक देखकर निगेटिविटी से एकदम यहाँ तक गले तक भर गया था। मुझे चिल मारना था क्योंकि मेरे पास ना तो कार है और ना ही खटारा स्कूटर जिसमें पेट्रोल डालना पड़े, लेकिन मैंने सुन रखा था पहले कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाकी चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं क्योंकि सब पर महंगे किराए का बोझ पड़ता है। लेकिन जब ये वाला समाचार देखा तो ज्ञान चक्षु एकदम टक से खुल गए। इसने मेरी पुरानी मान्यताओं को ताजमहल की तरह गिरा दिया। उस वीडियो में बताया गया कि पेट्रोल डीजल चाहे जितने महंगे हो जाएं, बाकी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। सबसे सस्ता हो गया है डेटा, अगर उसको पेट्रोल की तरह लीटर में नापते तो नालियों में बह रहा हो तब भाई साहब, फिर नालियों से गैस निकालने के बजाय हम 4G 5G डेटा निकाल रहे होते। खैर, ड्राइवरलेस कार तो आ ही रही है, अब डेटा से चलने वाली कार भी असम्बल कर ही लेंगे, फिर हमारी कार 20 Mbps का माइलेज देगी। इसी सस्ते डेटा का इस्तेमाल करके हम ऑनलाइन खाना मंगाते हैं तो डिलीवरी वाला 10 किलोमीटर पैदल चलकर भी तो आ सकता है, इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है यार, हैं। फिर सस्ते हुए टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह, यहाँ पर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। हमारे देश का विज्ञान थोड़ा पीछे है, हम बत्तखों से ऑक्सीजन और नाली से गैस तो निकालने लगे हैं लेकिन शैम्पू से चलने वाली गाड़ी अभी नहीं बना पाए हैं। हो सकता है कि नई वाली गणित के ग्राफ की जानकारी रखने वाले शाम तक व्हाट्सएप पर कोई ट्रेन चला दें जो डीजल या बिजली से नहीं शैम्पू से ही चलती हो। अभी मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है भाई साहब कि मैं सांस भी उसी एनर्जी की छोड़ रहा हूँ। और सुनो, दूध भी सस्ता हुआ है। इसके दो फायदे हुए, एक तो हमको पता चला कि काफ़ी गौ माताएँ हमने बचा ली हैं तभी दूध सस्ता हुआ है, और दूसरा फायदा हुआ कि अगर हम दूध से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाएंगे तो उसे बनाने में जो इंजीनियर और मजदूर लगेंगे उनको जो पैसा मिलेगा उसको आप रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे। होम लोन बहुत सस्ता हो गया है। आइडिया, अपन ऐसा करते हैं कि पहले सस्ता होम लोन लेकर घर खरीदते हैं, फिर उसको जैक से ऐसे ही से उठाकर उसमें पहिए लगाकर उसी से ऑफिस जाते हैं। इससे 3 फायदे होंगे, एक तो किडनी से महंगा पेट्रोल खरीदने का झंझट खत्म, दूसरा घर ऑफिस के नज़दीक रहेगा तो बीच में जाकर बच्चों को पप्पी भी दे आ सकते हैं, तीसरा गाड़ी खरीदने में लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाओं के दाम भी कम हुए हैं, मतलब अब तक कफ सिरप जो है सिर्फ दारू की जगह इस्तेमाल करते थे, अब उससे हम स्कूटर भी चला सकते हैं, यस। लोग कहते थे कि आपने प्रधानमंत्री चुना है, जादूगर नहीं, लेकिन मोदी जी असल में जादूगर ही हैं। वो राइट इंडिकेटर देकर लेफ्ट मुड़ जाते हैं। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार का नारा देकर सरकार बनाई और उसी को सबसे महंगा कर दिया। सबसे ज़्यादा जो सस्ता हुआ है वो है रुपया, $1 में 72 आ रहे हैं आजकल। महंगे पेट्रोल के विरोध में भारत बंद करने वाले अपनी जबान बंद रखें। मॉल में 500 का पॉपकॉर्न लेके खा सकते हो और देश के लिए 80-90 रुपये का पेट्रोल नहीं डला सकते,